ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो टॉपिक हैं उनमें से सबसे पहले जो सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह जो खत्म हुए हैं आपकी क्लास में ये, और अब हम जो राउंड ऑफ जितने बचे हुए टॉपिक हैं सारे खत्म कर लेंगे इसमें। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले है आज का साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन ये तो हो गए थे सारे खत्म। ठीक है भी, तो यहां से शुरुआत कर लेते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन तकरीबन तीन अलग अलग टॉपिक जो हैं वो आज की क्लास में खत्म हो जाएंगे। तो पहला है आपका साइंटिफिक नोटेशन में कुछ वैल्यूज हैं, जैसे ये ना 0.000235 ऐसा लिखना साइंस की नजरों में ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मतलब प्रॉपर वे टू राइट द आंसर, जैसे 0.000235। तो हम इसको कैसे लिखने लगे कि भाई इसको ऐसे लिख लो साइंटिफिक नोटेशन में 35 × 10^1, 2, 3, 4। ठीक है ना, अगर डिजिट यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही है तो -4 इस तरीके से। और भी अगर केस देखें जैसे 44800, तो यहां पर अगर मैं लिखूं इसको क्या 4.48, रेज योर हैंड अब पावर क्या होगी, रेज योर हैंड पावर क्या होगी अब, एम भारद्वाज बोलिए सर 10^4 पॉजिटिव। वेरी गुड, ये पावर हो जाएगी आपकी 4 पॉजिटिव। आप इतनी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसलिए जरूरत हुई थी साइंटिफिक नोटेशन की, ताकि जो अनएथिकल आंसर है इतने बड़े बड़े लेंथी लेंथी आंसर, अब एक वैल्यू है जैसे 60221235678910 5678910 = 2। अब ये कोई तरीका थोड़ी ना कि किसी चीज को इतना अनएथिकल तरीके से उल्टे सीधे तरीके से इतना लेंथ ही लिखने का। हम लिख सकते हैं इस पूरी वैल्यू को 6.022 × 10^23, जो कि 1 मोल होती है। दिस इज द अमाउंट इक्वल टू 1 मोल। ओके, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है, जैसे मान लो 0.0036, तो रेज योर हैंड आंसर क्या होगा, जल्दी से रेज योर हैंड। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, आज तीन बड़े बड़े टॉपिक खत्म हो जाएंगे। यस हर्ष बताइए आंसर क्या होगा। 3.6 × 10^-3। बिल्कुल सही, 3.6 × 10^-3। सॉरी, इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। और आगे चले तो एक है क्वेश्चन जो डीएवी में आया था, आप चाहो तो इसका आंसर बताना, क्या आप इसका आंसर दे पाते। 6.023 इसका आंसर क्या देते हैं, ये डीएवी ने पूछा था, साइंटिफिक नोटेशन बना के दिखाओ, बताओ भाई तुम्हें क्या लगा। साइंटिफिक नोटेशन आसान सा टॉपिक है, आराम से करके अलग होंगे। ये आया था क्वेश्चन, स्कूल भी बता दिया मैंने, डीएवी। वेरी गुड, एक आंसर आ गया है, नाइस। दो आंसर आ गया है, नाइस। ध्रुव ध्रुव बताइए आंसर क्या होगा। ध्रुव बताइए। 10^23 6.0323, बस इतना ही है, 10^23 कैसे होगी है। एम भारद्वाज वेरी गुड, एम इसका आंसर बताइए। 6.023 × 10^3
इसका आंसर बताना है आपको, तो 10 की पावर 3 कैसे आ सकता है? सानिध्य आप बताइए। 6.0 × 10⁻¹⁰। वेरी गुड, इसका आंसर होगा आपका, यहाँ तो पावर कुछ लगा ही नहीं सकते ना, एक डिजिट के बाद तो ऑलरेडी पॉइंट है, तो 6.023, तो पावर तो कुछ लगा ही नहीं सकते ना, तो प्लस में कितनी सारी नेगेटिव में नंबरिंग हो ही नहीं सकती, तो अगर कुछ नहीं है तो जीरो कर दो, किसी की पावर जीरो होती है तो वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है और ये आया था डीएवी में, ठीक है। और आगे चलते हैं, ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है, तो देखो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं, लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं साइंटिफिक नोटिस। क्वेश्चन है 408.2 × 10⁻³, इसका बताना है साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा। रेज योर हैंड, 408.2 × 10⁻³, तो बताइए साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा। एक आंसर आ गया, दो आंसर, तीन आंसर, ध्रुव फिर से बताइए। सर 4.082 × 10⁻¹। वेरी गुड, अब की बार ठीक है। देखो जब हम इसको पावर को लिखेंगे तो 4.082 लिखेंगे तो जाहिर सी बात है 10 की पावर यहाँ क्या होगी, पॉइंट जो है वो लेफ्ट में जा रहा है, तो लेफ्ट में जा रहा है तो पावर पॉजिटिव में 2 होगी, और ऑलरेडी यहाँ पर -3 है, तो जाहिर सी बात है इसको सोल्व करोगे तो यहाँ जो आंसर आएगा वो -2 और 3 की वजह से कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। तो याद रखना जब पॉइंट लेफ्ट में जाता है पॉजिटिव पावर, पॉइंट राइट में जाता है तो नेगेटिव पावर, यही खेल बार 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 रिपीट होता है इसमें, ठीक है। और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको बताना है इसका क्या करोगे आप। ये है आपका 1.438 × 10⁻¹, ये है -44 और यहाँ पर 2 है, अब बताइए क्या होगा। क्या आंसर आएगा इसको, रेज योर हैंड, जस्ट ए मिनट। हेलो, हाँ कौन सी, वो मैं वो ये थी, रिलैक्सो, ओके। तो हर्ष बताइए आंसर क्या होगा। सर 1.21438 × 10⁻¹². देखो यहाँ जो पावर है, यहाँ पॉइंट यहाँ लेफ्ट में गया तो यहाँ भी पावर आपकी 2 आ गई, और ऑलरेडी यहाँ पर -44 है, तो यहाँ रिजोल्व करके लिखोगे तो 1.21438 × 10⁻¹² आ जाएगी आपकी -42, ये आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, और जल्दी से इसको खत्म कर देते हैं टॉपिक को ताकि हम अगले रेंज में आ जाएं। अब की बार बताना आंसर क्या होगा, 4.032.5 × 10⁻², इसका आंसर क्या होगा। रेज योर हैंड, एक आंसर आ गया, दो आंसर, वेरी गुड, यस ओम बताइए आंसर क्या होगा। 4.032 × 10⁵। बिल्कुल ये 5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 4.0325 × 10⁵, देखो यहाँ फिर से लेफ्ट में जा रहा है पॉइंट, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी आपकी जो पावर है वो पॉजिटिव होगी। अब कितनी पॉजिटिव होगी, वो 2 डिजिट 3 डिजिट पीछे जा रहा है, तो ये होगी 3 और इनटू में 10⁻² है, ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4.0325 × 10⁻² आ जाएगी आपकी 5, ये आपका एक्यूरेट आंसर है। तो ये जो वैल्यू है वो आपको पता लगी होगी, अगर पॉइंट जो है वो लेफ्ट में जा रहा है तो पॉजिटिव, और पॉइंट जो है वो राइट में जा रहा है तो नेगेटिव पावर हम लगाएंगे, ठीक है ना। तो
हालांकि ये सब चीज 9th 10th क्लास की है तो ज्यादा आपको प्रॉब्लम तो हो ही नहीं होगी। आगे चलते हैं, अब आ गया अगला टॉपिक जिसका नाम है राउंड ऑफ। ये आज का अगला टॉपिक है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करना भी इसमें आता है, और आपको अगर ये भी आसान लगता हो तो मैं आपको इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता हूँ तो बताना क्या होगा। देखो बड़ा सिंपल सा है राउंड ऑफ का खेल। अगर मान लो 0.44 ऐसा है तो चार की वजह से इस चार का क्या होगा, फोर की वजह से। यार सी बात है यार, अगर वैल्यू 5 से कम है तो उससे प्रीवियस वाली जो डिजिट है, पहले वाली डिजिट है वो एज इट इज रहेगी। तो आंसर आ गया आपका 4.4। और देखो 6.432, दो की वजह से 3 का क्या क्या होगा, आंसर है एज इट इज रहेगी 6.43। अब 3 की वजह से 4 का क्या होगा, 3 की वजह से इस 4 का क्या होगा, आंसर है ये एज इट इज रहेगा, सिंपल। लेकिन अगर 5 से ज्यादा वैल्यू है तो क्या करेंगे, जैसे 4.39, 9 की वजह से 3 का क्या होगा, अब ये 5 से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, एक डिजिट बढ़ा दो, 4.4 हो गया। जैसे 8.79, तो 9 की वजह से 7 का क्या होगा, 9 की वजह से 7 का क्या होगा, ठीक है, तो आंसर आएगा इसका 9 की वजह से 7 का, ये 8.8 हो गया। तो ये थे आपके क्वेश्चन या आंसर, क्वेश्चन या आंसर, क्वेश्चन या आंसर, क्वेश्चन या आंसर राउंड ऑफ। अब आपको लगता हो कि यार ये तो बड़ा सिंपल सा खेल है, तो मैं फिर से आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ राउंड ऑफ के जो स्कूल्स ने अलग अलग पूछे गए थे, ठीक है। देखो एक बार क्या क्या पूछा था स्कूल्स ने। ये देखो ये स्कूल का जो पूछा हुआ पोर्शन है 8.798 ये पूछा था, और सिग्निफिकेंट फिगर इसका फिलहाल तो 4 है, 1 2 3 4, आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक बनाना है इसका। तो रेज योर हैंड, 8 की वजह से 9 का क्या होगा, ये स्कूल के पूछे हुए क्वेश्चन है। पार्टिसिपेट जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा सीख जाओगे। 8 की वजह से 9 का क्या होगा, यस ओम बताइए। यस ओम बताइए सर। 9 10 हो जाएगा और फिर 1 carry 7 पे जाके वो भी 8 हो जाएगा। नाइस nice. और ऐसे समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक देखो 9 का तो 10 करेंगे नहीं ना, तो एक जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आए 9 का 10 तो यहाँ लिख नहीं सकते ना कि 9 आ गया तो यहाँ 9 की जगह 10 लिख देंगे, तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए पेयर ले लो। अब 79 का 80 कर दो एंड योर आंसर इज दिस 80। जीरो की वजह से 8 का क्या होगा, नथिंग। लो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सिग्निफिक क्या है इसकी, 2 हो गया क्वेश्चन सोल्व। और देखो क्वेश्चन कैसे कैसे दिया है स्कूलों ने, 8.999 सिग्निफिकेंट फिगर है इसका कितना, 4, आपको 2 में लाना है। तो देखो 9 की वजह से इस 9 का क्या होगा, 10 तो लिख नहीं सकते, पेयर ले लो। 99 का 100 ये भी नहीं लिख सकते, एक और पेयर बढ़ा दो, 899 का क्या हो जाएगा, 900, तो आंसर आएगा आपका 9.0। जीरो की वजह से 0, 0 की वजह से 9.0 तक ले जाके छोड़ दो, एंड यू नो वेरी वेल 9.0 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है, 2, लास्ट क्लास में सॉल्व किया हमने। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर 4 था, ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा इसका, 2। और आगे देखो और स्कूल ने क्या पूछा था, स्कूलों ने पूछा है 8.665। अब क्या करोगे, अब तो फंस गए, अब तो 5 से नीचे 5 से ऊपर का खेल तो हमने खेल लिया, अब 5 का खेल खेलेंगे। 5 है तो 6 का क्या होगा, रेज योर हैंड।
फाइव है तो सिक्स का क्या होगा? सोहम शर्मा बताइए सर, सिक्स ही रहेगा। वेरी गुड, ये सिक्स ही रहेगा। देखो पांच से पहले अगर ऑड आएगा, पांच से पहले अगर क्या आता है, इवन आता है, तो इवन को तो हम क्या रखेंगे, ये क्या है आपका, इवन है, एज इट इज रखेंगे। सॉरी, इवन को क्या रखेंगे हम, एज इट इज, जैसा है वैसा का वैसा। और अगर ये पांच से पहले ऑड होता तो एक डिजिट बढ़ा दो, तो पांच से पहले क्या है, इवन है, एज इट इज रख दो, गेम ओवर, दिस इज योर आंसर। और देखो अगर 8.75 है, अब पांच से पहले जो भी है वो क्या है, पांच से पहले जो भी है वो ऑड है, ऑड है तो क्या करो, इंक्रीज बाय वन, एक बढ़ा दो, तो एक बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, ये हो गया आपका आंसर 8.8 इज योर आंसर, गेम ओवर। तो ये पांच का जो लॉजिक है ये याद रखना, अदरवाइज सारा का सारा पोर्शन बहुत आसान है और बहुत आसानी से आप कर भी लोगे, ठीक है। अब चलते हैं एनसीईआरटी में उन क्वेश्चंस की तरफ जहां राउंड ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर और साइंटिफिक नोटेशन था, ठीक है। तो ये है आपका चैप्टर वन और ये सारा पोर्शन हो गया आपका खत्म, जो मैं अभी निशान लगाऊंगा, आपको लगातार निशान लगाना है ताकि हम इस पे रहें। देखो ये साइंटिफिक नोटेशन है, ये आपका आप घर से प्रैक्टिस करना, जैसे ये पहले वाला क्या है 4.48 और 10 रेज टू पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 10 रेज टू पावर 1 to 3 - 3, इसी तरह से सारा का सारा कर लेना। ये वाला क्वेश्चन आया था वो स्कूल में 0012 रेज योर हैंड, यहाँ पावर क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 5 में पावर क्या होगी, रेज योर हैंड, पावर क्या होगी क्वेश्चन नंबर 5 में, एटीनथ के फिफ्थ में पावर क्या होगी, यस उदय बताइए सर, 0। 0 करेक्ट आंसर भाई, इसमें पावर होगी 0, ठीक है। बाकी सभी आपको होमवर्क है, अपने आप करना है और अच्छी तरह से नोट्स बनाओ इसके, ये क्वेश्चन भी अपने आप करना है आपको, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर, एग्जाम में आया हुआ है ये, ठीक है ना, क्वेश्चन अपने आप करना है। इनमें मैचिंग भी अपने आप करनी है, माइक्रो, डेका, मेगा, गीगा, फेमटो, याद होगा आपने, हमने क्या याद किया था, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, बीको, फेमटो, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ठीक है ना, तो जो निशान लगे थे उसकी मैचिंग करनी है, ये भी अपने आप कर लेना, ठीक है। और जैसे जैसे क्वेश्चन आगे चलेंगे खत्म होते जाएंगे, मैं सब पे निशान लगाऊंगा। 20 पे आगे हम सिग्निफिकेंट फिगर बताना है आपको, 3 मीनिंगफुल, मतलब 3 तक सिग्निफिकेंट फिगर कम करना है इसका, राउंड अप कर करके, तो राउंड अप करने है आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। यहाँ फिलहाल सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो डिक्रीज करो इसको 34.216, 6 की वजह से 1 का क्या होगा, इंक्रीज, 2 की वजह से 2 का क्या होगा, एज इट इज 34.2, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ चुके हैं 1, 2, 3 और ये खेल खत्म। जो स्टूडेंट नए हैं जिनको सिग्निफिकेंट फिगर का नहीं पता, लास्ट क्लास जाओ, रिकॉर्डेड क्लास है और इसको आप देख सकते हो, कहाँ पे, जीतू केमिस्ट्री ऐप है या फिर यूट्यूब पे भी देख सकते हो, इसको जरूर देख के इसको क्लियर कर लो। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है आपको, ये क्वेश्चन आया था आपका एग्जाम में इम्पोर्टेंट, ये करवा रहा हूँ, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना था। तो देखो 2808, कई बच्चों ने तो क्या कर दिया, 8 की वजह से 0 का क्या कर दिया, 281, 1 की वजह से 8 का क्या कर दिया, 28, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना था ना, तो उन्होंने 281 तक करके आंसर निकाल दिया, लो जी हो गया खत्म, ये आ गया 8 की वजह से 0 का क्या कर दिया, ये कर दिया, आंसर आ गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यार ये तो, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम, मतलब तुम्हें किसी को 2808 रुपए देने हो तो तुम तो बोल दोगे भाई राउंड अप कर ले, बनता हो जो ले लियो, तुम तो उसको 281 रुपए दे दोगे, देने थे 2808, और कहोगे
कि राउंड अप कर ले, एक की वजह से आठ का क्या होगा 28, आठ की वजह से दो का क्या होगा 3, तुम 3 रुपए दे दोगे उसको, देने दे 2808। तो इन केस में, इस केस में स्पेशल मैं ये बोलूंगा फोर्थ, तो इस केस में आपको क्या करना है, पावर का यूज करना है, जैसे 2808। तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप इसको, 2.808 पावर कितनी हो जाएगी, यू नो वेरी वेल 3 हो जाएगी। और अगर मैं तुमसे पूछूं इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो याद करो मैंने कहा था पावर को कभी देखते ही नहीं, हम इसको देखकर बताते हैं सिग्निफिकेंट फिगर हो गया इसका कितना, 4। तो राउंड अप करते हैं, तो देखो 2.81 × 10 की पावर क्या है एज इट इज, अब बताओ इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3, क्योंकि पावर तुम देखते ही नहीं ना। तो अगर आपको किसी को 2808 रुपए देने हैं तो राउंड अप करके आप उसको कितने दोगे, 2810, 2810। ये असली राउंड अप है। अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो आपको ऐसे ही करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में स्पेशल होमवर्क दे रहा हूं, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा 3 का, ठीक है? तो होमवर्क है मेरे पास, सेंड कर देना इसका आंसर। यहां तक का पोर्शन खत्म होने के बाद हम अपनी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं सीधा सीधा ये सिग्निफिकेंट, सारा पोर्शन खत्म हो जाने के बाद एक छोटा सा पोर्शन है, इसको हम आज ही की क्लास में खत्म कर लेंगे। क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आपके स्कूल में कई इसमें करवा भी दी होगी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है, ठीक है? तो इस क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को समझने के लिए एक बार इसको और देख लो। एक मैं टेबल आपके पास सेंड भी कर दूंगा, इस टेबल को, क्या टेबल है ये टेबल है, उम्मीद है आप देख पा रहे होगे इस टेबल को। इस टेबल में मैटर को क्लासिफाई किया गया है। तो मैटर जो है वो क्लासिफाई होता है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ये सबसे बढ़िया तरीके की क्लासिफिकेशन है। अब प्योर सब्सटेंस में कौन कौन आते हैं, आपके एलिमेंट और कंपाउंड, ये प्योर माने जाते हैं। कंपाउंड जैसे H2O, जैसे CO2। भाई H2O आप नरेला का लो या न्यूयॉर्क का लो, शिकागो का लो, मलेशिया, इंडोनेशिया, कहीं का ले लो वाटर, वहां फॉर्मूला कंपाउंड का क्या रहेगा, H2O ही रहेगा पूरे वर्ल्ड में। तो ये इसे कहते हैं प्योर है ये एलिमेंट। देखो आयरन, ये एलिमेंट है, जैसे आयरन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, एलिमेंट भी कहीं चले जाओ ये भी प्योर का प्योर रहेगा, जितना है वो ही है। ये डेफिनेशन के लिए दे रखा है, कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, कंटेन टू और मोर टाइप ऑफ एटम इन होल नंबर रेशियो, ठीक है ना? तो ये जो टेबल की क्लासिफिकेशन है वो इतनी कमाल की है कि सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से सोल्व करवा देती है। तो ये अपने पास रखना, ये मैं आपको व्हाट्सएप में आज सेंड भी कर दूंगा, ये व्हाट्सएप ग्रुप पे पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन NCERT टुगेदर विद, और ये तुम्हारी प्रदीप फंडामेंटल ABC, उनमें भी इतनी अच्छी क्लासिफिकेशन नहीं दे रखी। चलो ठीक है, वहीं आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो अभी हमारा जो चल रहा है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में। सबसे पहले आता है हमारा, उसका नाम है मैटर। मैटर किसे कहते हैं, कुछ डेफिनेशंस है। तो सबसे पहली है मैटर, पहली डेफिनेशन नंबर 1, मैटर भाई एनीथिंग, कुछ भी विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, तो क्या क्या बोलते हैं मैटर। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इसको क्या बोलते हैं हम मैटर। मैटर की क्लासिफिकेशन प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। क्या होते हैं प्योर सब्सटेंस, दे कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ सेम काइंड, पार्टिकल ऑफ सेम काइंड, एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं वो। जैसे आयरन, आप कहीं का भी आयरन ले लो, आपको एक तरह के पार्टिकल ही दिखाई देंगे इसके अंदर, आयरन के एटम ही होंगे इसके अंदर, सारे एटम आयरन आयरन आयरन। जैसे CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैस है, और इसके अंदर एक कार्बन दो ऑक्सीजन होगा, और ये एक ही तरह के सेम काइंड से बनता है और किसी से बन भी नहीं सकता, तो ये प्योर कैटेगरी में आ गए। तीसरी डेफिनेशन एलिमेंट किसे कहते हैं, एलिमेंट, जैसे हमारे पास 118 एलिमेंट है, तो एलिमेंट वो होते हैं
दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, वन काइंड ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं। अगर मैं एक ब्लॉक ले लूं आयरन का या किसी का भी, जैसे मान लो मैंने ब्लॉक ले लिया एल्यूमिनियम का, तो ये वाला कोने पे देखोगे ये भी आपको एल्यूमिनियम दिखाई देगा, एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास 27। इस कोने से लोगे ये भी एलिमेंट जो है वो एक ही काइंड के एटम से मिलकर बना हुआ है जिसका नाम है एल्यूमिनियम, इसका भी एटॉमिक नंबर 13, मास 27। तो जो एक ही वन काइंड ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है उसे हम बोलते हैं एलिमेंट। अगले डेफिनेशन की बात की जाए तो कंपाउंड किसे कहते हैं। कंपाउंड के लिए मैं ये चीज जरूर बोलूंगा, ऐसा कंपाउंड जहां पर फिक्स रेशियो मिलती है एलिमेंट की, जैसे व्हेन टू और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू इन कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो, इसे क्या बोलते हैं हम कंपाउंड, जैसे H2O रेशियो फिक्स है क्या 2:1, यहां भी देखो ये रेशियो फिक्स है C12H22O11, ये भी कंपाउंड है, ये कहीं भी चले जाओ आप सुक्रोज का फॉर्मूला यही दिखाई देगा, फिक्स है रेशियो, ठीक है ना। तो फिक्स रेशियो ऑफ एलिमेंट या फिर जो एटम्स ले रखे हैं आपने वो फिक्स होंगे, कभी बदलेंगे नहीं, ऊपर नीचे होंगे। डेफिनेशन की चिंता मत करना, डेफिनेशन आपको नोट्स में से मिल जाएगी और कुछ मैं सेंड कर दूंगा आपके पास, नोट्स में से नोट कर लेंगे डेफिनेशन को। अगला है मिक्सर, मिक्सर यहाँ रेशियो फिक्स नहीं होती, ठीक है ना, यहाँ रेशियो ऊपर नीचे होगी। व्हेन टू और मोर प्योर सब्सटेंस कंबाइन इन एनी रेशियो, इस डेफिनेशन में आना चाहिए एनी रेशियो, इस डेफिनेशन में आना चाहिए फिक्स रेशियो। तो किसी भी रेशियो में अगर ये मिक्स है तो ये मिक्सर है, जैसे एयर, एयर में क्या सब कुछ फिक्स है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स है, नहीं, वो अब ऊपर नीचे होती रहती है, पोल्यूशन ज्यादा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, कम है तो कम होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड कम होगी, ठीक है ना, ये अप डाउन चलता रहता है। अच्छा, शुगर सॉल्यूशन में कोई फिक्स रेशियो नहीं है, शुगर सॉल्यूशन पानी में चीनी को डाल देंगे तो ये फिक्स नहीं है, इतना ही डालना है, ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्ट सॉल्यूशन भी ऐसे ही है, ये भी फिक्स नहीं है, इसे बोलते हैं मिक्सचर। अब मिक्सर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस हेटरोजीनियस। तो एक तो है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर भाई ऐसा मिक्सर जहां पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, ठीक है ना, हर जगह एक जैसी कंपोजिशन दिखाई दे, जैसे एयर है, हवा है, तुम हवा को देखकर बता सकते हो खुली आंखों से, नेकेड आईज से, कि ये ऑक्सीजन जा रहा है, ये नाइट्रोजन जा रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गया, नहीं भी बता सकते ना, तो आपको एक जैसी दिखाई देती है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन। चलो आप, आपके पास में एक गिलास में चीनी घोल के लाता हूं, कांच का गिलास है, तो आप देखकर बता सकते हो मैंने इसमें चीनी घोल रखी है, ग्लूकोज घोल रखा है, क्योंकि आपको दिखने में वो एक जैसा लगेगा, तो ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, ठीक है। तो इसे होमोजेनस मिक्सर कहते हैं, एग्जांपल हो गया इसका होमोजेनस का शुगर सॉल्यूशन, एक एग्जांपल हो गया इसका सॉल्ट सॉल्यूशन एयर, ठीक है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये होमोजेनस हो गया। अगली डेफिनेशन है किसकी, हेटरोजेनस मिक्सर की, हेटरोजेनस मिक्सर भाई ऐसा मिक्सर जहां पर आप खुली आंखों से बता सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये चीज ये है और ये चीज ये है, यानी यहां क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, ठीक है। जैसे अगर मैं सॉल्ट में एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो, अगर मैं सॉल्ट में मिक्स करके लाऊं आयरन के टुकड़ों को, तो आप बता दोगे ये सॉल्ट है, ये आयरन का टुकड़ा है। अगर मैं सॉल्ट में रेत को मिक्स करता हूं, सैंड, सॉल्ट प्लस सैंड, रेत मिक्स करता हूं, तो आप देखकर बता सकते हो ये है और ये ही है। सॉल्ट में शुगर मिक्स करूं, आप बता सकते हो देख के। तो इस तरीके से जो आप खुली आंखों से देख के सेपरेट कर सकते हो, उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, ठीक है। ये था आपका
उसके पूरा जो क्लासिफिकेशन है, और अभी हम स्टार्ट करते हैं इससे अगला टॉपिक, इससे अगला टॉपिक देखना। हेट्रोजीनस हो जाने के बाद अब हम डायमेंशनल एनालिसिस पे फोकस करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? डायमेंशन एनालिसिस भाई, इसको करने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे एक इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? रेज योर हैंड। वन इंच इज इक्वल टू हाउ मच, हाउ मेनी सेंटीमीटर? वन इंच। सानिध्य बताइए। 2.54 सेंटीमीटर होता है वन इंच, ठीक है। अच्छा, वन यार्ड, एक गज, वन यार्ड ये 3 फीट के बराबर होता है, ठीक है। वन फीट में कितने इंच होते हैं? इसके लिए रेज योर हैंड। एक फीट में, एक फुट्टे में, एक फुट में कितने इंच होते हैं? रेज योर हैंड। वन फीट, हाउ मेनी इंच, जो स्केल होता है आपके घर पे उसे फुट्टा भी बोलते हैं, उसमें वो फुट्टा इसीलिए बोलते हैं, वो 1 फीट का होता है। ध्रुव बताइए। 12 inches। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है 12 inches। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, 12 inches, ठीक है। अब आगे और एक, वन माइल इस्तेमाल हमारे इंडिया में तो होता नहीं, 1.6 किलोमीटर होता है 1 माइल, ठीक है। देखो जो किलोमीटर है, मीटर है, ये सिस्टम जो था, सेंटीमीटर है, किलोग्राम है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा लीटर है, मिलीलीटर है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये इंग्लिश सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम है क्लासिफिकेशन करने का। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी है जो आज भी मैट्रिक सिस्टम को नहीं मानती। अमेरिका में आप चले जाइए, आप कहीं भी किलोमीटर देखोगे ही नहीं, हर जगह वहां पर क्या दिखता है आपको? माइल, इतना माइल है। वहां पर आप उसको देखोगे, लिक्विड की कोई यूनिट तो वहां पर गैलन होती है। आप वजन, वजन को देखोगे, वहां पाउंड चलता है आज भी। और हर कंट्री, वो इतने जिद्दी हैं कि अपनी कंट्री की बनाई हुई चीजों को फॉलो करते हैं, वो आज भी इन चीजों को नहीं मानते, किलोमीटर, ठीक है ना, और ये लीटर, वो नहीं मानते इनको। वो गैलन में आउंस लिक्विड की मात्रा जो होती है ना, कितना आउंस है लिक्विड वगैरह, तो वो उनको मानते हैं, माइल चलती है उनमें आज भी, वो नहीं मानते इन चीजों को। चलो बताओ, तुम्हें अपने इंडिया के बारे में कितनी नॉलेज है? जैसे अमेरिका माइल बोलता है, मोस्टली मैट्रिक सिस्टम किलोमीटर यूज करता है, तो दूरी को मेजर करने के लिए हमारी इंडिया में क्या क्या यूनिट बताई जाती थी पहले इंडिया में, बताना भाई, इंडिया की यूनिट। एक को भी नहीं पता दूरी के लिए, अपनी फैमिली में ट्राई करना कि कोई बता दे, और आपके फादर के इंडिया में दूरी के लिए क्या यूज किया करते थे। सोहम शर्मा, वेरी गुड, बताइए। सर गज। कितने गज? नहीं, गज तो यार्ड हो गया, यार्ड वो इंडिया में यूज किया करते थे, कोस, कितने कोस की दूरी है, वो एक मुहावरा भी है, 4 कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बदले वाणी, कुछ ऐसा, कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बदले वाणी। तो कोस का मतलब डिस्टेंस से था। आप सोचो, हम अपनी ना इन यूनिट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, जो हमारी खुद की इंडिया की थी। मिलीग्राम को हम अपनी इंडिया में
रत्ती बोलते थे, रत्ती और अलग अलग जो यूनिट है जो बिल्कुल अब डिसअपियर हो गई है पूरी तरह से। अब देखो एक स्टूडेंट भी इसके बारे में नहीं बता पाया, तो कितना ये चीज जो वैल्यू है कितनी कम होगी। अच्छा और आगे चलते हैं। खैर 1 मीटर की क्यूब को बोलते हैं हम 10^3 liter। 1 मीटर की क्यूब होती है 1000 liter। अब 1 मीटर की क्यूब कैसे बनाओगे? देखो मीटर आपको पता है कितना बड़ा होता है, 1 मीटर। मान लो 1 मीटर ये लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ठीक है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट बनाने के बाद 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर और ये क्यूब बना दिया मैंने, ठीक है, ये क्यूब बना दिया 1 मीटर का। और अगर इस 1 मीटर की ये एक लेंथ है, सभी लेंथ 1 मीटर की है, तो वॉल्यूम बताओ क्या हो जाएगा भाई? वॉल्यूम हो जाएगा एज क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब, यानी आंसर आ गया 1 मीटर क्यूब। अब इसमें पानी भरोगे ना 1 मीटर क्यूब में, तो पानी कितना भर जाएगा? बिस्लरी की 1000 बोतल खाली हो जाएंगी, जो 1 लीटर की बोतल होती है, यानी इसका पूरा वॉल्यूम 1000 लीटर का होता है, 1 लीटर का, ठीक है। तो ये यूनिट भी अपने दिमाग में अच्छी तरह से रखना। अब हम डायमेंशन एनालिसिस जो है उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार इसको मैं थोड़ा सा जो पॉइंट है वो बता देता हूँ, फिर हम कल की क्लास से इसको अच्छी तरह से स्टार्ट करेंगे डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। कल की क्लास से इसको अच्छी तरह से स्टार्ट करेंगे। और क्या होता है मैं एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ, ऐसे वो एग्जाम में चीजों को पूछते हैं, 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, पहला क्वेश्चन डायमेंशन एनालिसिस से बताओ 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, यार बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, लो आंसर आ गया 200 सेंटीमीटर। इतने कॉन्फिडेंट लगा के आएंगे ऐसे करके, दिस इज आंसर, यस, ऐसे थोड़ा ना पूछ रहा है वो कि 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर आपने ये लगा दिया, ये डायमेंशन एनालिसिस है। ये इसमें क्या होता है, आपको पहले रियल चीजें पता होनी चाहिए कि 1 मीटर और सेंटीमीटर का क्या रिलेशन है। 100 सेंटीमीटर, यू नो वेरी वेल 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब रूल क्या है, जो आंसर आपको फाइंड आउट करना है वो टॉप पे रखना है, ऐसे ये टॉप पे आ गया, नीचे यूनिट जो है वो बॉटम में आ गई, आंसर क्या आएगा, दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1 ही आएगा क्योंकि दोनों सेम ही है। अब इसी चीज को ऐसे पलट के लिख दो, ठीक है, एंड एवरी टाइम यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू दिस एवरी टाइम। तो देखो 2 मीटर × 10^2 cm और ये 1 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, बताओ आपका आंसर क्या है। दिस इज योर 200 या 2 × 10^2 cm, ठीक है। तो क्या क्या रूल क्या सीखा हमने, कभी भी जो भी चीज पूछी गई है यूनिट उसको हमेशा आपको न्यूमरेटर पे रखना है, जहां भी उन्होंने दे रखी है आपको बस वहीं रखना है, न्यूमरेटर में दे रखी है न्यूमरेटर में रखना है, खत्म। मैं छोटी सी बात बोल रहा हूँ मैं तो, न्यूमरेटर देख लो, न्यूमरेटर पे रखना हर बार। अच्छा इसी क्वेश्चन को देखो कैसे कर सकते थे, इसी क्वेश्चन को, हालांकि कल की क्लास में डिटेल में होगा ये, दोबारा रिपीट, आप जितना समझ पाते हो आज की क्लास में समझ लो। अच्छा सेंटी बताओ कितना होता है, सेंटी मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था कल की क्लास में, बिल्कुल रेडी होके आना ताकि हम बहुत जल्दी से डायमेंशन एनालिसिस समझ पाए। तो कल की क्लास में आपको ये जो चीज है ये अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, क्या ये सेंटी क्या होता है, सेंटी ये रहा सेंटी दस की पावर माइनस दो। तो ठीक है भाई, 10^-2 को ऐसा का ऐसा यहां लिख दो, 10^ कितना, सेंटी क्या होता है, -2 मीटर एज इट इज। फिर से देखो गेम, देखो गेम समझो, सेंटीमीटर वो कह रहा है आपका आंसर सेंटीमीटर में होना चाहिए, तो किसको ऊपर रखोगे, सेंटीमीटर को या मीटर को, भाई सेंटीमीटर को, कैसे, ऐसे 1 सेंटीमीटर नीचे 10^-2 मीटर
अभी भी दोनों इक्वल है, इक्वल वन इक्वल, ये तो फॉर्मेलिटी के लिए इतना करना पड़ेगा, ये वाला हिस्सा वन सेंटीमीटर। फिर से क्या करना है आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, टू मीटर मल्टीप्लाई बाय वन सेंटीमीटर डिवाइड बाय टेन गिवा माइनस टू मीटर, मीटर टू मीटर कैंसिल आउट, टेन इज टू पावर माइनस टू को फिर से ऊपर ले जाओ तो टेन इज टू पावर प्लस टू हो जाएगा सेंटीमीटर एज इट इज। तो ये आंसर देखो और ये आंसर देखो, आपको उसमें कोई भी फर्क दिखाई नहीं देगा। इसे कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस। जो भी चीज आपकी पूछी गई है उसको आपको न्यूमरेटर में लिखना है और खेल खत्म। ऐसे ऐसे हम टोटल क्वेश्चन करेंगे 15 के आसपास, और उसके बाद तुम्हें डायमेंशन एनालिसिस पूरी परफेक्ट आ जाएगी। तो ये था आज का यहाँ का टॉपिक, यहीं पे खत्म। किसी को कोई डाउट हो तो हैंड रेज कर सकता है। कल डायमेंशन एनालिसिस शुरू होगा आपका, अब जस्ट इंट्रोडक्शन था ये। रेज योर हैंड फॉर एनी क्वेश्चन। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में।